हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्राफ्ट के लिए हम लेंगे कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की चारों किनारों पर कागज़ स्टिच करेंगे, जिससे हमारा कार्डबोर्ड बेड परफेक्ट तैयार हो जाए। एक बाउल में वॉल पुट्टी लेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करते जाएंगे, जिससे एक लिक्विड पेस्ट तैयार हो जाए। बेस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ हैंडमेड स्टेंसिल का यूज़ किया है। वॉल पुट्टी के लिक्विड को स्टेंसिल पर लगाते जाएंगे। ऐसे ही वॉल पुट्टी का यूज करते हुए हम पूरे बेस पर ड्रॉ करते जाएंगे। जब ये ड्रॉ हो जाए, उसके बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ कार्डबोर्ड के टुकड़े की हेल्प से हम विंडो का शेप देंगे। विंडो को आप किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं। हमने कार्डबोर्ड बेस पर जो स्टेंसिल की हेल्प से डिजाइन ड्रॉ किया था, उसको हम ब्लैक से कलर करेंगे। आप यहाँ विंडो के लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में हम लेंगे वॉल पुट्टी और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करते जाएंगे और एक वॉल पुट्टी का डो तैयार करेंगे। वॉल पुट्टी डो परफेक्टली तैयार हो जाने के बाद हम विंडो पर डिजाइनिंग देंगे। वॉल पुट्टी हाथ में चिपक जाता है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा वॉल पुट्टी का पाउडर यूज कर सकते हैं। जब हम किसी भी बेस पर डिज़ाइनिंग दें वॉल पुट्टी का, तो हम ऐसा प्रीफर करें कि हम फ़ैन का यूज़ ना करें, क्योंकि ये वॉल पुट्टी बहुत जल्द ड्राई हो जाता है। तो जब तक हम डिज़ाइनिंग करें किसी भी क्राफ्ट पर अपने, उस टाइम के लिए हम फ़ैन ऑफ कर दें।
अपने अकॉर्डिंग विंडोज को किसी भी कलर से कलर कर लीजिए। ये हमने सादा कार्डबोर्ड इसलिए लगाया है ताकि खिड़की थोड़ा खुला हुआ दिखे। वॉल पुट्टी डो से अब हम विंडो पर कुछ डिटेलिंग करेंगे। ऑल पुट्टी डो से ही हम छोटे छोटे लीव्स तैयार कर लेंगे। यहाँ हम फ्लावर्स को कलर कर लेंगे। जब सभी फ्लावर और लीफ कलर हो जाए उन्हें हम एक एक करते हुए डाल पर लगाते जाएंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सारे पत्ते और फ्लावर्स को लगा देंगे। उसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हमारा ये वॉल हैंगिंग तैयार है। आपको अगर ये क्राफ्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।